दोस्तों, आज जो हम जानकारी लेकर आए हैं वो बेहद जरूरी जानकारी है और उत्तराखंड से जुड़ी जानकारी है। तो उत्तराखंड में चार धाम यात्रा के लिए अभी कुछ ही दिन बचे हैं। आपका केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के जो कपाट खुलने वाले हैं 10 तारीख से खुलने वाले हैं और बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 तारीख से खुलने वाले हैं। इसी कड़ी में हम आपके लिए बहुत ही बेहद अहम जानकारी लेकर आए हैं जो कि साइबर ठगी से जुड़ी है। तो आजकल क्या हो रहा है, ये एक्चुअली इस साल की प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत सालों से चली आ रही है। जो साइबर ठगी के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन से लेकर, चाहे हेली रजिस्ट्रेशन से लेकर, इन सब मामलों में लोग ऐसी गलत वेबसाइट्स बना रहे हैं जिनके थ्रू बहुत ही उनका आपको कंपेलिंग, बहुत ही एकदम विश्वास करने वाला उनका URL आपको लगेगा, पर एक्चुअली में वो नहीं है। तो आज हम ऐसी ही कुछ वेबसाइट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और मैं आपको दिखाऊंगी कि ऐसी कुछ वेबसाइट्स अवेलेबल है। कुल ऐसी 76 वेबसाइट्स अवेलेबल है, उनमें से कुछ के बारे में आपको बताने जा रही हूँ जिनको सरकार ने अभी बंद करवा दिया है, क्योंकि इस पे STF की टीम और पुलिस की टीम्स पूरी इस पे पैनी नज़र बनाए हुए हैं इस समय पर, ताकि ऐसे मामले ना उत्पन्न हो। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ उन वेबसाइट्स के बारे में जो बंद करवाई गई हैं। सबसे पहले हम चलते हैं helidham.in। चलिए इस वेबसाइट को चेक करके देखते हैं। इस वेबसाइट को अगर आप गूगल पे डालेंगे तो इस समय पर यहाँ पर लिखा आएगा दिस साइट कांट बी रीच्ड, क्योंकि ये अभी सरकार ने बंद करवा दी है। ऐसी एक और वेबसाइट आपको लेकर जाती हूँ, helicopterbooking.org। helicopterbooking.org बहुत ही ऑथेंटिक लगेंगी ये वेबसाइट्स आपको, और लोग नादानी में इन वेबसाइट्स के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन भी करा लेते हैं और उसके बाद धोखे का शिकार भी हो जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस साइट कांट बी रीच्ड, क्योंकि ये बंद हो चुकी है अगेन। ऐसी एक और वेबसाइट है dunukhillstravels.com। dunukhillstravels.com को हम चलाकर देखते हैं। ये वेबसाइट भी नहीं रीच की जा सकती है अगेन, क्योंकि बंद करवा दिए। इस तरीके के तमाम वेबसाइट्स है, helidham.in, notrip.live, kedarnathhelicopterbooking.xyz, mail.kedarnathhelicopterbooking.info, kedarnathhelicopterbooking.info, onlinehelicopterbookings.com, इस वेबसाइट पर भी आप नहीं पहुंच सकते हैं अभी। अब मैं आपको जिस वेबसाइट के बारे में बताने जा रही हूं, जो एक्चुअल इसकी ओरिजिनल लेजिट वेबसाइट है, उसका नाम है www.heliyatra.irctc.co.in। इस वेबसाइट पे अगर हम जाएंगे, इसका हमने URL यहां पर डाला है, तो आपके सामने कुछ ऐसा वेब पेज खुलकर आएगा। और इस वेब पेज में खास चीजें जो देखने वाली है, सबसे पहली चीज कि ये IRCTC के थ्रू ही आप बुकिंग करा सकते हैं हेली यात्रा की, फॉर योर चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन। जब जहां जिन जगहों पर आपने हेलीकॉप्टर से जाना है, IRCTC की ओरिजिनल वेबसाइट से ही आप यहां पर बुकिंग करा सकते हैं, और कोई भी तमाम वेबसाइट जो आपको दिखाई जाएंगी उन पे आप बुकिंग नहीं कराएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ओनली IRCTC हेली यात्रा वेबसाइट इज प्रोवाइडिंग ऑनलाइन हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग। यानी कि और किसी भी वेबसाइट का आपको कोई लिंक भेजता है या कोई और आपको सजेस्ट करता है, तो आप नहीं उस पे जाएंगे, आप सीधा सीधा जाएंगे heliyatra.irctc.co.in। इस पे आप जाएंगे, यहाँ से आप लॉग इन करेंगे, अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसके आगे की इसमें पूरा जो प्रोसीजर होगा उसको आप फॉलो करेंगे, और इस तरीके से आपका टिकट बुकिंग होगी फॉर योर हेलीकॉप्टर टू केदारनाथ। यहाँ पर आपको पूरे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं किस तरीके से काम करता है। पहले आपने चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराना है, फिर उसके बाद आपने हेली यात्रा अकाउंट क्रिएट करना है, अगेन IRCTC हेली यात्रा की वेबसाइट से। फिर आप अपना डिजायर्ड डिपार्चर स्लॉट, यानी कि जिस जगह से आप डिपार्ट करेंगे केदारनाथ के लिए, वहां का आपने लगाना है। यहाँ पर डिपार्चर स्लॉट आपने सिलेक्ट करना है, जो यहाँ पर स्लॉट्स दिए होंगे उनमें से, और फिर ऑनलाइन पेमेंट मोड आप अपनी चॉइस का चूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब आप यहाँ से टिकट बुक करा के अपना टिकट आप लेकर जाएंगे, तो आपको असाइंड हेलीपैड पे, लोकेशन पे आपकी केदारनाथ यात्रा शुरू हो जाएगी। इस तरीके से आपने बुकिंग करनी है। यहाँ पे आप फेयर्स भी चेक कर सकते हैं, हर तरीके की यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको टिकट्स बुक कराने में। पर अगेन, जितनी जो मैंने अभी वेबसाइट्स मेंशन करी हैं, ये सारी वेबसाइट्स, सिर्फ ये वेबसाइट्स नहीं, ऐसे ही और भी तमाम वेबसाइट्स हैं जिन पे आपको क्लिक नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इन पर जाएंगे तो या तो आपके साथ ठगी होगी या आपको कोई स्कैम कर सकता है।
जो ओरिजिनल वेबसाइट है जहां से आप अपनी हेली यात्रा की टिकट्स बुक कर सकते हैं वो IRCTC की वेबसाइट है जिसका नाम है www.heliyatra.irctc.co.in। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आपकी ओरिजिनल IRCTC की वेबसाइट है जहां से आप अपने हेली टिकट्स बुक कर सकते हैं। इनके अलावा और किसी भी वेबसाइट पर भरोसा ना करें, ऐसी तमाम वेबसाइट्स हैं। पिछले साल चारधाम यात्रा के दौरान ऐसी 64 वेबसाइट्स पुलिस ने बंद करवाई थी, साइबर सेल ने बंद करवाई थी और इस साल ये संख्या बढ़कर 76 हो चुकी है। तो दोस्तों चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन जो अभी तक चल रहा है, करीब करीब 19 लाख लोग रजिस्टर करा चुके हैं और इस बार रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन होने की उम्मीद है, 25 लाख तक ये आंकड़ा जा सकता है। इन्हीं आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए पुलिस इस समय पे बहुत ज़्यादा सतर्क है ताकि लोग कम से कम साइबर ठगी का शिकार बन सके। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो हमारे कुछ नंबर्स हैं जो कि नीचे भी मेंशन किए जाएंगे, मैं आपको पढ़ के भी बता देती हूँ। नंबर्स है 9456591505 और दूसरा नंबर है 9412080875। इन नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी पूरी पूरी सहायता की जाएगी। पुलिस अभी भी जुटी हुई है इस कार्य में, फर्जी वेबसाइट बंद कराने में, और आगे भी होती रहेंगी। पर आप किसी भी तरीके के इस तरीके के साइबर फ्रॉड का शिकार ना बने, उसके लिए हमने जानकारी आपके साथ साझा करी है। उम्मीद करते हैं आपके लिए ये यूजफुल हो। तो चलिए, आपने ये तो जान लिया कि चारधाम की यात्रा के लिए किस तरह से फर्जी वेबसाइट के जरिए श्रद्धालुओं को बेवकूफ बनाया जा रहा है। वहीं अब इन फर्जीवाड़ों से किस तरह से बचा जाए, इस पे हमारे संवाददाता रजनीश दीक्षित ने CEO अनूप मिश्रा से बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। चारधाम यात्रा का आगाज होने वाला है, ऐसे में इस बार लगातार और रिकॉर्ड ब्रेकिंग कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, 19 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। लेकिन इसी बीच एक सावधानीपूर्ण सवाल ये उठता है कि हेलीकॉप्टर बुकिंग को लेकर या ऑनलाइन हॉस्पिटैलिटी को लेकर काफी ज्यादा फेक वेबसाइट आ चुकी हैं और उन फेक वेबसाइट से हो क्या रहा है कि जो यात्री जाना चाहते हैं चारधाम यात्रा में तो उनको चूना लगाया जा रहा है। तो आपकी गाड़ी कमाई को चूना ना लगे, इसको लेकर उत्तराखंड की स्पेशल टास्क फोर्स हो, साइबर सिक्योरिटी हो, पुलिस ने एक अभियान चलाया। उस अभियान के तहत जो फेक वेबसाइट्स थी उनको, जो ठगी का शिकार बना रही थी, उनको बैन कर दिया है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तफसील से जानकारी देंगे CEO है हमारे साथ मिश्रा जी। सर बहुत बहुत स्वागत आपका शेष होता है। थैंक यू सो मच, और सभी जितने आपके दर्शक हो उन सभी को मेरा नमस्कार। सर क्या कुछ स्टेप पुलिस के द्वारा किए गए चारधाम यात्रा में, चूंकि ठगी के भी लोग वेबसाइट के जरिए ठगी शिकार कर रहे हैं, क्या कुछ पुलिस के द्वारा किया जा रहा है इसमें? जैसे कि हम जानते हैं कि चारधाम हर साल हमारा जो सीजन चलता है तो उसमें लोग हेली सेवा जो होता है जो श्री केदारनाथ के लिए लेते हैं, तो बहुत दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं और हर वर्ग के आते हैं, हर एज के आते हैं। तो उसमें हमारी जिम्मेदारी बनती है, एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि इस प्रकार से कोई भी ठगी ना हो, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा एक रिलीजियस वो होता है, एक मौका होता है, और कई सीनियर सिटीजन्स भी आते हैं। तो उस क्रम में हमने देखा है कि कुछ ऐसे गैंग हैं, स्पेशली आपके बिहार झारखंड साइड यहाँ पर हैं, ज्यादा एक्टिव हैं, जो क्या करते हैं इस प्रकार की फेक वेबसाइट्स बना लेते हैं, जहाँ पे जो ऑफिशियल टेंडर, जो आपके सारे व्यूअर्स उनको बताना चाहूंगा कि ऑफिशियल टेंडर जो दिया गया है इस प्रकार की बुकिंग के लिए वो आपके IRCTC को दिया गया है। अनफॉर्चुनेटली जो क्रिमिनल्स हैं वो इस प्रकार के फेक वेबसाइट्स के माध्यम से, वहाँ पे फेक वेबसाइट होगा, कुछ फेक फेसबुक एडवर्टीजमेंट होगा या कोई और माध्यम होगा, इंस्टाग्राम पे एडवर्टीजमेंट चलते हैं, जहाँ पे लोग एक व्हाट्सएप की API डालते हैं, व्हाट्सएप की API पे क्लिक करेगा जैसे ही आदमी तो उसको व्हाट्सएप खुल जाएगा और वहाँ पे सामने वाले व्यक्ति को बताएंगे कि हम आपको चारधाम बुकिंग दे रहे हैं, आपको टूर्स एंड ट्रेवल्स का पैकेज दे रहे हैं। उसके बाद वो एक फर्जी सा ब्रोशर देते हैं कि आपको अगर आप श्री केदारनाथ की हेली सर्विस लेते हैं तो आपको आने जाने का इतना ट्रैवल पड़ेगा पर पर्सन। उसके बाद वो उसमें आधार कार्ड लेते हैं, आधार कार्ड की डिटेल लेते हैं, बाद में उसी एक तरफ उस व्यक्ति को वो ठगते हैं जो टिकट जनरेट करके देंगे, फर्जी टिकट देंगे। दूसरी चीज, जो आधार कार्ड लिया गया है उसी आधार कार्ड से वो अगले व्यक्ति को वहां पे वो नुकसान पहुंचाते हैं, जहां पे जिस व्यक्ति को उन्होंने पहले ठगा है उसी की आइडेंटिटी, उसी के आधार को प्रयोग करके वो अगले व्यक्ति को दिखाते हैं कि मैं ये फला फला बोल रहा हूं। तो इस क्रम में हमारे द्वारा काफी मेहनत की गई, हमारी टीम जो है जिसमें हमारे DGP सर का मार्गदर्शन है, साथ में हमारे SSP सर का इसमें हमारा पूरा सपोर्ट गाइडेंस रहता है, तो उसमें हमारी जो टीम है उसने टोटल 76 वेबसाइट्स, जो ऐसी फेक वेबसाइट्स हैं उनको बंद कराया है। साथ में हमने लगभग 55 से 60 बैंक खाते बंद करवाए हैं। इसके अलावा हमने FIR रजिस्टर की थी, FIR रजिस्टर में भी हमने लास्ट ईयर 5 लोगों को जेल भेजा था, और इस साल भी अगर इस प्रकार की हमें ज्यादा कंप्लेन आएगी तो हम मुकदमा लिख करके ऐसे चिन्हित लोगों को चिन्हित करके जो अपराधी हैं उनको जेल भेजेंगे। अच्छा सर, अगर बात की जाए, जैसे आपने बताया बहुत तफसील से, क्या आप कुछ दिखा सकते हैं कि किस तरीके से लोग सर सावधान रहे हैं और कि किस तरीके के उनके पास बग्स आते हैं,
या उनको ठगी किया जाता है? इसमें मैं मोबाइल में तो अभी मेरे पास नहीं होगा, परंतु मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ, क्योंकि अमूमन जो हमें कंप्लेंट मिलती है तो उसमें क्या होता है कि आपको व्हाट्सएप पे SMS आएगा, व्हाट्सएप पे एक मैसेज आएगा, और उसमें क्या होगा कि वो बोलेगा कि मैं चारधाम टूर्स एंड ट्रेवल्स की तरफ से बोल रहा हूँ, और वहां पे वो क्या करते हैं आपको एक APK फाइल दे सकते हैं। अब APK फाइल क्या होता है कि वो आपके मैसेजेस को रीड करता है, तो उसमें क्या होता है एक फॉर्म भी भरवाएगा, आपके मैसेजेस को भी रीड करेगा, और उसके बाद आपकी जो डिटेल कैप्चर की जाती है तो उसमें एक तरफ आप जहां पेमेंट करेंगे कि चारधाम बुकिंग के लिए आप पेमेंट कर रहे हैं, और साथ में जो आपने डिटेल वहां डिस्क्लोज करी बताई उसी डिटेल को मिसयूज करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में कई बार डायरेक्टली जो अपराधी होते हैं वो फोन करते हैं, लोगों को मैसेज करते हैं कि हम यहाँ पे चारधाम सीजन शुरू हो गया उत्तराखंड में, जैसे कि आपको पता है कि बाबा श्री केदारनाथ के कपाट 10 मई से खुल रहे हैं, तो कई लोग डायरेक्टली व्हाट्सएप में मैसेज कर देते हैं। अदरवाइज कई बार जैसे मैंने पहले भी बताया कि फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट मिला, इंस्टाग्राम पे एडवर्टीजमेंट मिला, या फेक वेबसाइट, वहां पर जब आप वेबसाइट पे जाएंगे, जैसे आपने गूगल पे लिखा कि चारधाम हेली सर्विसेज मुझे चाहिए, टिकट चाहिए, आपने गूगल पे लिखा, तो वहां कुछ एडवर्टीजमेंट्स होंगे, उसमें कुछ फर्जी ऐड होंगे, उस ऐड पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कोई वेबसाइट खुल जाएगी जहां पे वो पूरा रूपांतरण करेगा कि ये मैं फला फला चारधाम के जो भी है आपको पैकेजेस दे रहा हूँ। वहां पे छोटा सा एक API आ जाएगा, एक साइन होगा, एक लोगो बना होगा व्हाट्सएप का, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको लगेगा कि मैं किसी कस्टमर केयर से बात कर रहा हूँ जो कि उस वेबसाइट का या उस टूर्स एंड ट्रेवल्स का है। अब जैसे ही आपने उस व्हाट्सएप के आइकॉन पे क्लिक किया तो व्हाट्सएप आपके सामने खुल जाएगा। अब वहीं पे वही सारा स्कैम शुरू होता है कि जहां पे आपके डिटेल कैप्चर करेगा, आपको एक एंड्रॉयड पैकेज किट यानी कि एक प्रकार का एक APK फाइल होती है, एक फाइल होती है जिसको आप डाउनलोड करेंगे तो आपके फोन में एक ऐप डाउनलोड हो जाती है जो आपके मैसेजेस को रीड कर सकती है, आप किससे क्या बात कर रहे हैं उसको रीड कर सकती है, और फिर वो फॉर्म भरवाता है, आपकी डिटेल कैप्चर कराता है, और साथ में जो विक्टिम होता है वो सोचता है कि मैं टिकट बुक करा रहा हूँ तो पैसे भी दे देता है, तो कहीं ना कहीं आपकी आइडेंटिटी भी चोरी होती है और प्लस आपके साथ पैसे की ठगी भी हो जाती है। धन्यवाद। देखा आपने, तफसील से जानकारी दे रहे थे CEO अंकुश मिश्रा जी हमारे साथ थे जो साइबर सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं, और आपको बताया इन्होंने कि किस तरीके से आप ठगी से बच सकते हैं, क्या आपको सावधानियां बरतनी है। तो श्रेष्ठ उत्तराखंड भी सभी तीर्थयात्रियों से यही अपील करेगा, जो आधिकारिक वेबसाइट है IRCTC की, उसी के जरिए आप लोग बुकिंग कराएं, नहीं तो आप भी ठगी का शिकार हो सकते हैं। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।